युद्ध के चौथे दिन यूक्रेन पर कब्जे को लेकर के रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए। रूसी धमाकों से यूक्रेन की राजधानी की दहल गई है। इस बीच खार्किव शहर में भी रशियन आर्मी घुस चुकी है। कई बड़े शहरों में भी रूस की बमबारी जारी। रूस यूक्रेन संकट पर आज की रात बेहद भारी है। युद्ध को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक होने वाली है। इसमें रूस यूक्रेन युद्ध पर यूएनएससी को बड़ा फैसला लेना है। रात 1:30 बजे होनी है ये बैठक। रूस के हमले से यूक्रेन के लोग डर कर देश छोड़ने लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अब तक 2 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने देश छोड़ दिया है। यूक्रेन संकट को लेकर ब्रिटेन ने रूस को कड़ी चेतावनी दी है। ब्रिटेन ने कहा कि बातचीत से पहले यूक्रेन पर रूस पूरी हमले को रोक दे पूरी तरीके से, और अगर हमला नहीं रुका तो नाटो से संघर्ष के लिए तैयार रहे रूस। यूक्रेन ने रूस के बातचीत के उस प्रस्ताव को नकार दिया जिसमें रूसी सरकार ने बेलारूस में बातचीत के लिए यूक्रेन को आमंत्रित किया था। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि जहां से दागी जा रही है मिसाइलें वहां बातचीत संभव नहीं है, किसी और जगह हो वार्ता। यूक्रेन को घेरने के लिए बेलारूस और रूस ने परमाणु हथियारों की तैनाती के लिए रणनीति बनाई है। बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती जनमत संग्रह कराने की तैयारी में बेलारूस की सरकार है। ऐसे में माना जा रहा है कि यह युद्ध इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। यूक्रेन में रशियन आर्मी को यूक्रेन की सेना कड़ी टक्कर दे रही है। निकोलाइव शहर में रशियन सेना के सैन्य सामान यहां यूक्रेनी सैनिकों के नष्ट कर दिया है, जिसके बाद रूस को अब हर मोर्चे पर यूक्रेन में करारा जवाब मिल रहा है। इधर यूक्रेन से मिल रहे कड़ी टक्कर के बीच में रूस यूक्रेन में बिजली पानी ठप करना चाहता है। इसके लिए रूस ने कखोवका हाइड्रो पावर प्लांट पर हमला कर दिया। पावर प्लांट पर रूसी सेना ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। यूक्रेन के खारकोव शहर में यूक्रेनी सैनिकों के पलटवार के बाद रूसी सैनिक बख्तरबंद गाड़ियां छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी गाड़ियों और हथियारों पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन में जारी भीषण युद्ध के बीच में रूसी वायुसेना ने यूक्रेन में एम्बुलेंस पर हमला कर दिया, जिसके बाद एम्बुलेंस बिजली करके जलने लगी। लेकिन गनीमत यह रही कि अटैक से पहले ही मरीज को एम्बुलेंस से बाहर निकाल लिया गया था, जिससे इस हमले में उसकी जान बच गई। युद्ध के चौथे दिन रूसी एयरफोर्स ने यूक्रेन के बुका शहर में लगातार मिसाइलों से हमले किए हैं। इस हमले में यूक्रेन में एक ब्रिज पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। रूस चाहता है कि बुका शहर का संपर्क बाकी शहरों से काट दिया जाए ताकि इस शहर पर आसानी से कब्जा किया जा सके। कीव में रूसी सेना ने रॉकेट से हमला किया। आज सुबह सुनाई दी एक और धमाके की आवाज। रूसी सेना के हमले में घर जल करके खाक हुए। कीव में रूसी सेना के काफिले पर बड़ा हमला हुआ है। बुका इलाके में यूक्रेन ने जबरदस्त फायरिंग की है। रूसी सेना को हमले में यूक्रेन को काफी नुकसान हुआ है। इस बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में लगातार हवाई हमले के सायरन बज रहे हैं। लोगों को नजदीकी शेल्टर में जाने की सलाह दी जा रही है ताकि रूसी हमले में होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। खार्किव में यूक्रेन और रूसी सैनिकों के बीच खूनी जंग जारी है। दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त फायरिंग से यूक्रेन के कई शहर थर्रा उठे हैं। इस दौरान रूस की सेना कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। यूक्रेन में रूसी आक्रमण को मुंहतोड़ जवाब दे रही यूक्रेन की सेना। खार्किव में रशियन बख्तरबंद गाड़ी पर जोरदार हमला किया गया। यूक्रेनियन फोर्सेज ने रशियन गाड़ी को भी उड़ा दिया। इसी बीच रूसी सेना के मिसाइल अटैक से यूक्रेन का ओडेसा शहर तबाह हो गया है। आर्टिसीज में रशियन मिसाइल का अटैक हुआ, जिसके बाद आकाश में काले धुएं के गुब्बार देखे गए। उधर यूक्रेन के खार्किव शहर में यूक्रेनी और रूसी सेना के बीच में जबरदस्त जंग हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों सेनाएं सड़क पर एक दूसरे पर गोले बरसा रही हैं। इस बीच खार्किव प्रशासन की लोगों से घरों में रहने की अपील भी। चौथे दिन रूस यूक्रेन में भीषण युद्ध के बीच में यूक्रेनी सेना जबरदस्त पलटवार भी कर रही है। रूसी हमले को यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम का कड़ा मुकाबला कर रही है। इधर यूक्रेन के सूमी प्रांत में रूस ने बड़ा हमला किया है। रूसी हमले में अब तक 7 साल की बच्ची समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेन के खार्किव में रूसी यूक्रेनी सेना आमने सामने जबरदस्त गोलीबारी के बीच में यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंक को ढेर करने का दावा किया है। इधर यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है कि खार्किव में रूसी फाइटर जेट को यूक्रेन की सेना ने मार गिराया। तस्वीरों में मिसाइल का शिकार होता दिख रहा है लड़ाकू विमान। इस बीच यूक्रेन में महिलाओं ने संभाला मोर्चा। रूसी आक्रमण के खिलाफ यूक्रेनी महिलाओं में गुस्सा है। कीव की सुरक्षा के लिए सेना में शामिल हो रही हैं महिलाएं। यूक्रेन ने रूसी सेना को रोकने के लिए कई जगहों पर रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया ताकि रूसी सेना आगे नहीं बढ़ सके। यूक्रेन चाहता है कि शहरों में घुसने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं।
यूक्रेन में रूसी सेना जंग ही नहीं लड़ रही है, उत्पात भी मचा रही है। हमले के बाद यूक्रेनी स्टोर को लूटने में जुटे रूसी सैनिकों की लूटपाट का वीडियो वायरल हो रहा है। यूक्रेन के खारकोव में यूक्रेन के हथियार डिपो पर रूस ने मिसाइल से अटैक कर दिया। रूसी वायुसेना के हमले में यूक्रेनी हथियारों का डिपो पूरी तरह तबाह हो गया। यूक्रेन के हथियार डिपो के तबाह होने से यूक्रेनी सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन के हथियार डिपो में रखे गोले बारूद को निशाना बनाकर रूस ने हमला कर दिया और इस हमले के बाद हथियार डिपो में भारी विस्फोट हो गया। हथियार डिपो में ब्लास्ट की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। यूक्रेन के इवानो में रूसी वायुसेना के 114वीं टैक्टिकल ब्रिगेड ने जबरदस्त हमला किया है। इस हमले में इवानो प्रांत में भारी नुकसान की खबर है। यहां दोनों तरफ से लगातार भीषण जंग जारी है। इस बीच यूक्रेन की सेना ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेनी सेना ने कहा है कि रूसी फाइटर जेट सुखोई 25 को मार गिराया गया। यूक्रेन की सेना ने सरफेस टू एयर मिसाइल से मारकर फाइटर जेट को नष्ट कर दिया। रूस यूक्रेन की जंग ने भीषण रूप ले लिया है। यूक्रेन की सेना रूसी हेलीकॉप्टर पर एंटी एयरक्राफ्ट गन से लगातार फायरिंग कर रही है। यूक्रेनी सेना के इस फायरिंग में रूसी हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एंटी एयरक्राफ्ट गन से फायरिंग हो रही है। इधर यूक्रेन की राजधानी कीव में यूक्रेन और रूसी सेना के बीच जबरदस्त जंग जारी है। जंग के चौथे दिन रूस ने 500 रूसी टैंकों को 3 अलग अलग दिशाओं से भेजा है। माना जा रहा है कि रूस कीव में 500 टैंक उतारने वाला है। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तेज। यूक्रेन को पानी के लिए तरसाने में जुटा रूस। नॉर्थ क्रीमिया में रूस ने डैम को उड़ाया। यूक्रेन में क्रीमिया को इसी डैम से होती है पानी की सप्लाई। डैम तबाह होने से हो सकता है पानी का संकट। यूक्रेन के रोबनेकी में भी रूसी विमानों ने कहर बरपाया। रोबनेकी में तेल डिपो को रूसी वायुसेना ने उड़ाया। यूक्रेन के लुहांस्क शहर पर रूस का बड़ा हमला। रोबनेकी तेल डिपो पर रूस ने बरसाए बम। रूस के हमले में यहां रोबनेकी ऑयल डिपो में लगी भीषण आग कई किलोमीटर दूर से दिखी आग की लपटें। यूक्रेन की मिलिट्री बेस पर रूस की सेना का घातक हमला। जैपोरिजिया में मिलिट्री बेस पर रूस ने बरसाया रॉकेट। यूक्रेन के मिलिट्री बेस में लगी भीषण आग। कीव पर रूसी वायुसेना की भीषण बमबारी। हाई राइज इमारतों को छलनी किया गया। कीव में शाम से लेकर सुबह 8 बजे तक सख्त कर्फ्यू। रूसी सेना के खिलाफ यूक्रेन में भीषण आक्रोश। रूसी ट्रक और टैंकों पर अटैक कर रहे लोग। रूसी टैंकर पर बम से हमले का आया वीडियो। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया वीडियो। रूस यूक्रेन जंग के बीच में सैटेलाइट तस्वीरों से बड़ा खुलासा। यूक्रेन के नाबो काखोवका में रूसी सैनिकों का कब्जा। काखोवका हाइड्रो पावर प्लांट के करीब रूसी सेना। यूक्रेन के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। कहा कि पर 2 घंटे में कब्जे का दावा जो किया था उसका क्या हुआ। अंधेरा जल्द छटेगा, सुबह नजदीक है। रूसी हमले के बाद यूक्रेन का जोरदार पलटवार। यूक्रेनी सैनिकों ने बेलारूस के क्षेत्र से दागी गई मिसाइल को मार गिराया। यूक्रेन में रूसी आर्मी को रोकने के लिए डटे आम लोग सड़क और गली में रूसी टैंकों को रोकने के लिए तैयार कर रहे हैं बैरिकेड्स। यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के सामने टेके घुटने। सैकड़ों सैनिकों ने किया सरेंडर। बंदी सैनिकों को क्रीमिया में रखा गया। यूक्रेनियन कपल ने शादी के बाद रूस के खिलाफ उठाए हथियार। वायरल हुई तस्वीरें। जंग के भयानक मंजर के बीच कपल ने की शादी। रूस के खिलाफ यूक्रेन ने आम लोगों ने उठाए हथियार। असॉल्ट राइफल के साथ सिविल आर्मी ने संभाला मोर्चा। रूस के खिलाफ मिस यूक्रेन ने उठाए हथियार। इंस्टाग्राम पर असॉल्ट राइफल के साथ फोटो पोस्ट की। लिखा रूस के खिलाफ करूंगी युद्ध। कीव में रूसी टैंकों के आगे दीवार बन रहे हैं आम यूक्रेनी। अपने शहर को बचाने के लिए सड़क पर उतरी यूक्रेनी जनता। यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 साल के लड़के का वीडियो वायरल। कीव की हिफाजत के लिए युवक ने उठाई बंदूक। अकेले जंग लड़ने का किया ऐलान।